ये मायावती जी ने बहुजन का सर्वजन बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। अगर आपके पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है नेचुरल दुश्मन, तो आप अपने दुश्मन को क्रिएट कर लो। आज सत्ता होनी चाहिए थी ना मायावती के हाथ में, क्यों नहीं आई? लोगों को घुमाने का जो काम करता है वो केवल और केवल ब्राह्मण करता है। जैसे मायावती ने काशीराम को कैद किया था, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को कैद कर लिया है। और मायावती को आप जानते हो पैसे से बहुत लगाव है। लालू यादव के पास भी पैसा है, लेकिन वो जेल जाने को तैयार है। हमारा संविधान जा रहा है और ये तीनों के तीनों नेता मजे ले रहे हैं। कितने में बीजेपी ने खरीदा? ब्राह्मण अमर बेल है, जिस पेड़ पर चढ़ जाता है, जिस पार्टी पे बैठ जाता है, उस पार्टी को खत्म करके छोड़ता है। क्या सपा को हराना है? सपा ने जीत जाए, बीजेपी को सपोर्ट करना है, ये सतीश मिश्रा ने बोला है जगह जगह जाके। और बीएसपी वर्जनों की पार्टी है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तमाम जातियों की पार्टी है बीएसपी, जिसमें कि स्वर्णों को भी चांस दिया जाता है। लेकिन अब खामोशी है चारों तरफ और ये बहुजन समाज एक उम्मीद लेकर देख रहा है ये बाबू वाली की तरफ। क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुजन बनाने के लिए और बहुजनों का शासन स्थापित करने के लिए 1585 के मुद्दे पर मनवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में आगे आई थी। और बहुजन जो शब्द है मुझे खूब याद है, मनवर कांशीराम साहब ने कहा था, ये बहुजन शब्द उन्होंने बहुजन सुखाए बहुजन हिताय से लिया था। और इस शब्द की इसलिए और महत्ता बढ़ जाती है कि ये तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ शब्द है। बहुजन को सर्वजन बना देना, जो कहीं किसी शास्त्र में भी सर्वजन का जिक्र नहीं है और ख़ास तौर से बहुजनों के किसी भी शास्त्र में नहीं है, किताबों में नहीं है, ये मायावती जी ने बहुजन का सर्वजन बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। और उसी दिन से, जिस दिन से बहुजन का सर्वजन बनाया गया, उसी दिन से काशीराम साहब की फिलॉसफी, काशीराम साहब का आइडिया, 1585 की लड़ाई ख़त्म हो गई। जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो फिर उसका रिजल्ट भी जीरो हो गया, जो आप देख रहे हैं। हिटलर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, उसको थोड़ा समझना होगा। हिटलर ने लिखा है कि अगर आपको राजनीति करनी है, सत्ता हासिल करनी है, तो अपना प्राकृतिक दुश्मन ढूंढिए। प्राकृतिक मतलब जो बहुत समय पहले से आपका नेचुरल दुश्मन है। तो हमारे महापुरुषों ने, आप देखिए, ज्योतिबा फूले से लेकर पेरियर साहब, बाबा साहब, काशीराम साहब ने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया है कि हमारा दुश्मन कौन है। 15 है, 15 मतलब इस देश का ब्राह्मणवादी समाज है, सवर्ण है। और उन्होंने उस लड़ाई को उठाया, उस लड़ाई को शुरू किया, ट्रिमेंडस रिजल्ट आया। 84 में पार्टी बनी, 89 मतलब 5 साल के भीतर भीतर 13 एमएलए और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, जिसमें मायावती भी आए चुन के, हरभजन सिंह लाखा भी आए। तो ये जो लड़ाई है, तो हिटलर आगे क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है नेचुरल दुश्मन, तो आप अपने दुश्मन को क्रिएट कर लो। जैसे बीजेपी ने क्रिएट किया, उनका कोई दुश्मन नहीं है बीजेपी का, उन्होंने क्रिएट कर लिया। उन्होंने लड़ाई जो है बता दिया कि ये मुसलमान आपका दुश्मन है, जबकि मुस्लिम कभी किसी का दुश्मन ही नहीं रहा, और दलितों का तो बहुत बड़ा हितैषी मुस्लिम समाज रहा है, लेकिन बीजेपी ने क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है। और 80-20 और ये पाकिस्तान जाओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुस्लिम, ये सारे कर करके उन्होंने क्रिएट करके लोगों के दिमाग के ऊपर वो बिठा दिया। तो काशीराम कहते हैं कि जब एससी और ओबीसी मिल जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने करके दिखाया था, तब नारा भी दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो नारा यही था कि शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास को काशीराम साहब ने एक मंच पर लाए, और लाने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 5 महीने के अंदर बनाई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। अब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को ही क्यों तोड़ी गई भाई?
उसका एक बहुत बड़ा, बीजेपी जब कोई काम करती है उसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य होता है। 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो 6 दिसंबर को वो कानून लिखने वाले का जो परिनिर्वाण था, मृत्यु हुई थी, उसी दिन वो संविधान को दफनाने का सांकेतिक मनु बाद को बढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद को तोड़ा। आपने कहा कि सर्जन की बात करके बीएसपी ने पाठ किया है, जबकि वही ब्राह्मण वही सवर्ण जो है 2007 की सत्ता दिलाए थे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आज सत्ता होनी चाहिए थी ना मायावती के हाथ में, क्यों नहीं आई? क्योंकि बीएसपी में भी ब्राह्मण हावी थे और सपा में भी ब्राह्मण हावी थे। एक बार उन्हीं ब्राह्मणों ने बीएसपी को सत्ता दिलवाई, लेकिन काम उन्होंने आरएसएस के लिए किया। इसी तरह से 2012 से लेकर 17 तक सपा के साथ रहे ब्राह्मण, लेकिन काम जमीन जो तैयार की वो आरएसएस के लिए की, बीजेपी के लिए की। ये सब लोग इस बात को समझना चाहिए। और सत्रह में उनकी नेचुरल पार्टी को सत्ता में ले आए। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में लोगों को घुमाने का जो काम करता है वो केवल और केवल ब्राह्मण करता है, और वही हुआ। अब इसके बाद 17 में बीजेपी की सरकार आई यूपी में, तो 22 में तो बीजेपी हटनी चाहिए ना। 35 साल में पहली बार हुआ है जो मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है, ये कैसे हो गया? काम किया है उन्होंने, ग्राउंड पे काम किया है बीजेपी ने। आज तो हाहाकार मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर काम किया होता तो हाहाकार क्यों मचता? बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे सर, वो सब कागजों में है, सब मीडिया का कमाल है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, बुलडोजर चल रहा है, आप करें काम। फिर बलात्कार क्यों हो रहे हैं भाई? अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो बलात्कार क्यों हो रहा है? मनीषा का कांड हुआ, उसके बाद एक कांड अभी और हुआ, मनीषा से भी भयंकर हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है सवर्णों के लिए। बहन जी सड़कों पे क्यों नहीं आ रही है सर? बहन जी भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मायावती ने काशीराम को कैद किया था, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को कैद कर लिया है। बीजेपी ने बहन जी को कैद कर लिया। यस यस 100%। बड़ी बात कर रहे हैं सर? बड़ी बात नहीं, बहुत तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। क्या तथ्य सर, बताइए। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी जितना लिख के देती है स्क्रिप्ट मायावती को, उतना ही बोलती है। उनकी 7 फाइलें हैं मायावती की बीजेपी के पास। अगर मायावती जरा भी इधर से उधर हटेगी, तुरंत गाड़ी भेज कर आनंद को गाड़ी में बिठा लिया जाता है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये लफड़ा है। और मायावती को आप जानते हो, पैसे से बहुत लगाव है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका पैसा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन और भी पार्टियों के पास पैसा, और वो होगा भाई उनके पास, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन लगाव ज़्यादा है। लालू यादव के पास भी पैसा है, लेकिन वो जेल जाने को तैयार है। ये चली जाए ना जेल, सारा आपको बहुजन समाज जाने देगा बहन जी को जेल? अरे मैं जाने देगा, रोक लेगा क्या, किसको रोका? इतने सारे चाहने, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, लालू यादव से ज्यादा चाहने वाले तो नहीं होंगे आज। आरजेडी का कितना बड़ा बहुमत है वहाँ, जब वो लोग नहीं रोक पाए और फिर यही कहते हैं कि हम बाबा साहब के कानून को मानते हैं, तो कानून को तोड़ेंगे? ये समाज तोड़ेगा कानून को क्या? ऐसा नहीं है। जितने कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं आप देख लीजिए, तो वहाँ हवाला दिया जाता है, संविधान का हवाला दिया था कानून का, और कानून चाहे बाद में आप 2 साल जेल में रह के आप छूटे आओ, बाद में छूटे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग अपने ही नेताओं की टांग खींचते रहे। नहीं, नेताओं की टांग, अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, क्यों ना खींचे। अभी 22 का चुनाव हुआ, हेलो 22 का चुनाव हुआ, और मुझे कहते हुए थोड़ी सी आश्चर्य भी हो रहा है कि 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के उत्तर प्रदेश के ओबीसी के जितने नेता हैं, समस्त नेता तकरीबन 90%, चाहे वो
ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो पल्लवी पटेल जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे चौहान साहब हो, बहुत सारे हैं, ये सब एक मंच पर आए और सबने मिलकर बीजेपी को हराने के लिए आह्वान किया। और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी, मैं समझता हूँ कि 14 जनवरी को वो भी शामिल हो गए, मतलब अपने कई साथियों के साथ, कई एमएलए के साथ, कई मंत्रियों के साथ, और उन्होंने हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। वहीं पर जो दलित नेता हैं, वो किसके इशारे पर, तीनों के तीनों दलित नेता, बामन मेश्राम, मायावती जी, चंद्रशेखर, ये तीनों चुनाव अलग लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे भाई चुनाव अलग? कितने में बिके ये जवाब दें, कितने में बीजेपी ने खरीदा? अगर तुम्हें संविधान प्यारा है, चलो ठीक है, आप सपा के साथ नहीं मिल सकते, तो तुम्हें इकट्ठा, तीनों को इकट्ठा होकर तो लड़ना चाहिए था। कहाँ लड़े ये? क्यों ना मैं गरिया हूँ इनको? हमारा संविधान जा रहा है और ये तीनों के तीनों नेता मजे ले रहे हैं, करोड़ों में बिक रहे हैं। तो अलग राजनीति, अरे अलग क्या होता है, अलग क्या होता है, जब अपने पे बने आए, जिंदगी मौत का सवाल। आज तो दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर लेनी चाहिए, जब ऐसी नौबत आ रही है। तिनके का सारा होता है कि नहीं मरने वाले को? ये तो सारा, सारे की बात छोड़ दो, इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है भाई। अभी देखिए ओबीसी, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मुस्लिम जो चेहरे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई अकेला बीजेपी को हरा सकता है? यार ये क्या बात कर रहे हैं आपके, बना दिया एहसान कर दिया दलित, अरे किसी को तो नहीं, किसी को तो बनाते आप, क्या सबको चमारों को ही बनाओगे आप? फिर तो बना किसी न किसी को तो नहीं, किसी न किसी से। अब ये बात क्यों कह रहे हो ओबीसी से? आदमी है, कोई इंसान है ना, कोई भी हो सकता है, है? आप ये नहीं कहोगे भैया सतीश मिश्रा को क्यों लेके आए थे? अब कहाँ है सतीश मिश्रा? उसको बनाओ ना, उपाध्यक्ष था ना, अब कहाँ गया सतीश मिश्रा? वो तब तक अमर बेल की तरह लिपटा रहा जब तक बीएसपी को खत्म नहीं कर दिया सतीश मिश्रा ने। ब्राह्मण अमर बेल है, जिस पेड़ पर चढ़ जाता है, जिस पार्टी पर बैठ जाता है, उस पार्टी को खत्म करके छोड़ता है। ये मैं कह रहा हूँ, ये बात मायावती की समझ में क्यों नहीं आई? जो ब्राह्मण सम्मेलन किए क्यों किए? 2017 में 22% वोट था बीएसपी का, वो 17 में, और यहाँ आते आते 22 आते आते वो 12% रह गया, 12% 10% कहाँ गया? 10% ब्राह्मण सम्मेलन करके, जिसको बुद्ध प्रबुद्ध क्या बोला गया था, सम्मेलन, हाँ प्रबुद्ध सम्मेलन, पहले ब्राह्मण सम्मेलन नाम दिया गया, सम्मेलन कर करके के सपा को हराना है, सपा ने जीत जाए, बीजेपी को सपोर्ट करना, ये सतीश मिश्रा ने बोला है जगह जगह जाके। सपाई तो नहीं है कौन? मैं सपाई क्या को हूँगा भाई, मुझे क्या लेना देना है? मेरा जन्म जो है वो मेरा होश जो मुझे, मैंने आंखें खोली है वो काशीराम के नेतृत्व में खोली, मैं कोई गद्दार थोड़ी नहीं। मेरा इस समय एक ही उद्देश्य है, चाहे मुझे किसी के पैर पकड़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, हालांकि मेरी कोई पार्टी नहीं है, संविधान को बचाने के काम करेंगे हम। बात बीएसपी की हो रही थी, बीएसपी जो है देखकर ये लगता है कि दलित और मुस्लिम पार्टियों के साथ 2024 में कूदेंगे और बसपा ने ऐलान भी किया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो किसके लिए नहीं करोगे आप ये बताइए? गठबंधन नहीं करोगे तो भाजपा को कैसे जिताओगे? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना लोगों को। तो क्या इसीलिए बीएसपी गठबंधन नहीं कर रही है? बीजेपी जब तक बीएसपी है तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। बीएसपी बीजेपी को जिताने के लिए अप्रत्याशित काम करती है। आप जो करें बहन जी को ट्वीट देखिए, बार बार वो कहते हैं कि सपा और बीजेपी का अंदरूनी गठबंधन है। नहीं, कहने को तो भैया किसी पागल को पागल बोलो, वो आपको उल्टे में बोलेगा तेरा बाप पागल, ये कोई बात हो गई? आपने भी सुना होगा, तो पहले वही चिल्लाता है सबसे पहले, जिसके दाढ़ी में तिनका तोर चोर होता है। तो हमें बताए ना कि 13% 12% वोट आए इन सबको मिला के, तीनों को मिला के,
तो कांशीराम की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? कांशीराम बार बार कह रहे हैं, जब आप रहनुमा मानते हो, गुरु मानते हो, फोटो लगाते हो, कांशीराम कहते हैं कि भाई जो नेचुरल गठबंधन है वो है एससी और ओबीसी का, अननेचुरल गठबंधन तुम कर बैठे सपा बसपा के साथ, तो नुकसान तो उठाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं,